नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोग का स्वागत करना चाहूंगी हमारे YouTube चैनल दराज धर्म के ऊपर। पिछले कई दिनों से भारत और चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे विवाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, तनावपूर्ण स्थिति चल चुकी थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी टिप्पणी दी, बहुत सारे लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की। उनमें से एक अमेरिका का नाम है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि चाइना और भारत ये दोनों ही बहुत बड़े बड़े देश हैं और ये दोनों ही अपने मसले खुद सुलझा सकते हैं, लेकिन मैं इंटरवीन करना पसंद करूंगा, मैं दखल देना पसंद करूंगा, मैं मध्यस्थता करना पसंद करूंगा भारत और चाइना के बीच में। ये विवाद तो अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, ये विवाद अभी मतलब आप समझिए तूल पकड़ना शुरू ही हुआ था कि राहुल गांधी का एक बयान आ गया। इस क्राइसिस के समय राहुल गांधी का बयान था ये कि इस क्राइसिस के समय मोदी गवर्नमेंट को जो भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर हो रहा है उसका पूरा पूरा विवरण जो है बताना चाहिए कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ वहाँ पे परिस्थितियाँ चल रही हैं, और जो भी ये परिस्थितियाँ हैं जो ये लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इससे हमारे देश में चिंता और हमारे देश में क्योस बढ़ रहा है, मतलब उलझन की स्थिति पैदा हो रही है। ये बात कही है राहुल गांधी ने। जैसे ही राहुल गांधी का ये ट्वीट लोगों के सामने आया वैसे ही उनके ऊपर बहुत सारे ट्वीट की बौछार होना शुरू हो गया। उनमें से एक ट्वीट तो ऐसा आया जिसने पूरे राहुल गांधी का मजाक ही उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति है ट्विटर पे, उन्होंने कहा कि वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे भारत के पास ऐसा कमजोर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं कि हम अभी तक चाइना से बहस कर रहे हैं, वरना अगर हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जैसे ताकतवर, एक बिल्कुल ताकतवर नेता होते, प्रधानमंत्री होते, तो हम कब का लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दे करके चाइना को छुट्टी हो चुके होते और शायद ये सारा विवाद भी खत्म हो चुका होता। मतलब उनके ऊपर ये तंज मारा गया था। मैं आपको ये बताना चाहूंगी ये तंज भी क्यों मारा गया राहुल गांधी के ऊपर। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी जब 1954 में भारत और चाइना के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद 1962 में चाइना ने युद्ध घोषित कर दिया था, लेकिन उससे पहले नेहरू जी चाइना को बोलते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, इस नारे का बड़ा गुणगान करते थे और नेहरू जी ये सोचते थे कि चाइना कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि चाइना ने पीठ पे छुरी भोंकते हुए 1962 में हमला कर दिया और उससे पहले 1954 में भारत और चाइना के बीच में ऐसे कुछ अग्रीमेंट हुए थे कि तिब्बत जो पहले भारत के अंदर आता था अब वो चाइना ने हथिया लिया था, मतलब चाइना के जो सेना है उसकी आवगमी को और तो और चाइना की सेना के प्रेजेंस को भारत के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि उनका सबसे बड़ा फेलियर भी माना जाता है। कहा यह जाता है कि आज भारतीयों को अपने धर्म स्थल पर जाने के लिए चारों धाम की यात्रा को पूरा करने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कैलाश मानसरोवर जो होता है वो तिब्बत में आता है। अगर आपको तिब्बत में जाना है तो आपको पहले पासपोर्ट की जरूरत होगी। इस बात पे नेहरू जी पे बहुत ही ज्यादा तंज भी मारा जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने जब हमारे देश में डोकलाम बॉर्डर पे चाइना के साथ विवाद हो रहे थे तो राहुल गांधी ने एक सीक्रेट मीटिंग किया था चाइनीज एम्बेसडर के साथ, जिसको आज तक किसी को अता पता नहीं है कि उस मीटिंग में राहुल गांधी ने चाइनीज एम्बेसडर से क्या बात करी थी। आज तक कहीं किसी न्यूज़पेपर में, किसी आर्टिकल में, किसी मीडिया में इसकी कुछ पता ही नहीं है। तो लोग ये भी सवाल पूछने लगे राहुल गांधी से कि भाई आप क्यों नहीं डिस्क्लोज करते हैं कि आपने क्या कुछ ऐसी मीटिंग करी है चाइनीज एम्बेसी से उस समय जब डोकलाम के ऊपर एक इतना बड़ा विवाद हुआ था, जब डोकलाम के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था, आपने उस समय क्यों चाइनीज एम्बेसडर से जाकर के एक सीक्रेट मीटिंग रखी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी अपने 2019 के चुनावी प्रचार में उन्होंने गलती से ये बता दिया था कि उन्होंने 2018 में एक और सीक्रेट मीटिंग की थी चाइना के दो मंत्रियों के साथ, जिसके ऊपर भी राहुल गांधी पे बहुत ज़्यादा विवाद हुए थे। बहरहाल मैं तो यही सवाल राहुल गांधी से करना चाहूँगी कि आप देश के विपक्ष हैं, एक भावी विपक्ष के रूप में जो आप सामने बैठते हैं, तो आप सरकार के समय ऐसी परिस्थितियाँ पैदा ना करिए कि जब इस समय 2020 का ये भारत है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है इस भारत में, और इस समय जो चाइना ने जो है एक सफ़ेद झंडा, मतलब युद्ध विराम जिसको आप कह सकते हैं शांति का प्रतीक, चाइना ने 27 मई को ही दे दिया। आज अगर परिस्थितियां पहले जैसी होती तो शायद
कब का जो है चाइना जो आज युद्ध कर रहा है, संघर्ष कर रहा है डोकलाम बॉर्डर के ऊपर, सिक्किम बॉर्डर के ऊपर, या फिर जय कितने भी चाइना के साथ जो भारत की बॉर्डर रखती हैं उनके ऊपर, वो शायद कब का चाइना को हो जाता और भारत के पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन आज हमारे पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने चाइना को बिल्कुल दमखम के साथ संभाला है। ये मैं बात राहुल गांधी से पूछना चाहूँगी कि देश के सामने इतनी बड़ी क्राइसिस के समय वो ऐसा उलझन पैदा ना करें। ये तो मैंने आपको बात बताई कि किस तरीके से राहुल गांधी, चाहे वो मजदूरों के ऊपर हो चाहे बॉर्डर्स के ऊपर हो, इस समय वो अपनी राजनीति खेलने से कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं और देश की जो जनता है उसके अंदर जो है उलझन पैदा करने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अब बताती हूँ दूसरी कंट्रोवर्सी के बारे में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। आपको पता है कि जो अमेरिका है वो हमेशा अपना सुपर पावर का जो वर्चस्व है लोगों के सामने जताता है और अमेरिका हमेशा ये बताता है कि वो एक सुपर पावर है, वो जो है सबसे ताकतवर है और वो हमेशा इसको साबित भी करता है। फिर चाहे इराक और ईरान का मुद्दा हो, वहाँ पे भी अमेरिका ने अपनी मध्यस्थता की थी और इस समय जब भारत और चाइना इन दोनों के अंदर विवाद चल रहा है, बहुत ही बड़ा विवाद जिसको आप कह सकते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी खूब अच्छे से संभाल रहे हैं और हमारी भारतीय सेना बहुत दमखम के साथ इसका सामना कर रही है, तो उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप अपना एक झंडा लेकर के और अपना एक एजेंडा लेकर के बीच मैदान में कूद चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कॉन्ट्रोवर्सी एक विवादास्पद जो है बयान दे दिया, कहा कि चाइना और भारत ये दोनों ही जो हैं बहुत ही सक्षम और बहुत ही प्रभावशाली देश हैं, अगर ये चाहें तो अपना मुद्दा खुद सुलझा सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करनी पड़ी तो अमेरिका पीछे नहीं रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप, मैं खुद एक प्रेसिडेंट होने के नाते, एक सुपर पावर होने के नाते भारत और चाइना के बीच में मध्यस्थता करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगी कि इस समय के भारत को चाइना की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। और कई सारे ऐसे लिबरल गैंग या फिर आप कह लीजिए राहुल गांधी जी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सामने आके खड़े हो चुके हैं और वो पूछने लगे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि आप कहते तो हैं कि हमारी विदेशी कूटनीति इतनी अच्छी है, हम जो बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं, चाइना के साथ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, तब आप अपना घरेलू मुद्दा जो है विदेश में क्यों लेके जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास क्यों लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि आज सुबह 4 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से मेरी बात हुई है, वो बहुत ही खराब मूड में हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह 4 बजे कही अपने ट्वीट के जरिए, लेकिन उसके तुरंत बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये क्लियर किया कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच में कोई वार्ता, कोई बातचीत नहीं हुई है। जो आखिरी बात हुई थी वो बात हुई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में, उसके बाद तो भारत की और अमेरिका कुछ बात ही नहीं हुई है। ये तो सारी थी कि राहुल गांधी का क्या कुछ बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ बयान आया। मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगी कि चाइना जो कि बहुत ही शातिर है, जब 1954 में ये विवाद, ये 1954 में ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये बात मान ली थी कि चाइना युद्ध नहीं करेगा, चाइना जो है पीठ पे छुरा नहीं भोंकेगा, लेकिन फिर भी चाइना ने 1962 में अपना हरकत दिखा दिया था, अपना नियत उसने साबित कर दिया था पूरे देश दुनिया के सामने। लेकिन आज चाइना सफ़ेद झंडा दिखा रहा है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात बोली जा रही है कि चाइना और भारत के बीच में सब कुछ जो है ठीक ठाक है, हम जो है इस समय भारत के साथ देना चाहते हैं, हम जो है भारत के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं और दोनों ही देश के पास ऐसे चैनल्स हैं जिसके जरिए वो बातचीत कर सकते हैं। तो चाइना का सुर जो है इस समय कुछ अलग सुनाई दे रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सुर अलग क्यों है। तो चाइना जो इस समय है वो युद्ध करने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि उसके खुद के देश में जो है बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगी हांगकांग, इस विवाद का सारा जड़ जो है वो हांगकांग से जुड़ा हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगी हांगकांग के अंदर वन नेशन टू सिस्टम की थ्योरी लागू होती है, मतलब हांगकांग का अपना एक अलग संविधान होता है, अलग कानून होता है, सब कुछ हांगकांग का एक अलग होता है। अब जो है चाइना ने एक नया रूल निकाल दिया है, एक नया कानून पास कर दिया जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं आपको बताना चाहूँगी चाइना ने हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को पास कर दिया, जिसके जरिए जो भी ट्रेड हांगकांग करता था, ट्रेड वर्क जो भी करता था किसी भी देश के साथ अपने बाजार को चलाने के लिए या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अब वो सारा का सारा कुछ
चाइना के हाथ में चला जाएगा, जो पहले हांगकांग के हाथ में था। तो इससे जो है पूरा का पूरा हांगकांग या फिर आपके लिए आस पड़ोस के जितने भी उसके देश थे जो कि हांगकांग के साथ व्यापार करते थे, वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। और इस समय चाइना खुद ही अपने देश के अंदर मजबूत नहीं है, क्योंकि जो उसका उसने जो हाल किया अभी ताइवान के साथ, ताइवान में आपको पता है उसने वन नेशन टू थ्योरी का वो प्रस्ताव उनको भेजा था, उसको मना कर दिया ताइवान ने। और अब जो है हांगकांग के ऊपर इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी बिल पास कर दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके वजह से खुद चाइना के अंदर विवाद अभी पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं। और आस पड़ोस के जो मुल्क हैं वो भी चाइना को इस बिल के लिए बहुत ज़्यादा अपोज करने लगे हैं। तो इस समय चाइना जो है वो युद्ध की स्थिति में नहीं है। और वहीं भारत जो है हर तरीके से संपूर्ण है, फिर चाहे वो उसका सिक्योरिटी लेवल हो, फिर चाहे वो बॉर्डर्स के ऊपर जितनी भी सेना की तैनाती हो, डिफेंस में आपको पता है 34 रफेल डील अभी हुई थी फ्रांस के साथ, जिसको फ्रांस ने जो है 4 रफेल जो है अभी जुलाई में भेजने को कहा है। तो यही सारा मुद्दा है, भारत इस समय किसी अन्य देश से जो है बहुत मजबूत है। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि राहुल गांधी विपक्ष के एक लीडर हैं और वो इस समय नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, देश के अंदर उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कितने हद तक सही है, हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। और बहरहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तो और राजधर्म को ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जाइए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।